चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। यूं तो बीकानेर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बीकानेर के संबंध में कुछ बताया जाए तो राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक बीकानेर साम्राज्य की राजधानी, राज्य के 7 संभागों में एक बीकानेर डिवीजन का मुख्यालय, राज्य के 33 जनपदों एवं 7 नगर निगम स्तर के शहरों में एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा एवं प्रथम श्रेणी का रेलवे जंक्शन, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों का स्वामी, ऐतिहासिक मंदिरों की नगरी, RJ07 से पंजीकृत वाहनों का अधिकृत जनपद, जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 4th सबसे बड़ा शहर बीकानेर। तो आइए इस ऐतिहासिक महानगर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के सबसे व्यस्त चौराहे गंगानगर चौराहा से। गंगानगर चौराहा बीकानेर का व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ से पूर्व की सड़क जयपुर मार्ग, पश्चिम की सड़क जैसलमेर मार्ग, उत्तर की सड़क गंगानगर मार्ग एवं दक्षिण की ओर का मार्ग नगर निगम मार्ग के रूप में जूनागढ़ किला एवं पुराने बीकानेर शहर की ओर प्रवेश करता है। सड़क नगर निगम कार्यालय से होकर बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहर जूनागढ़ किले पर पहुंचती है। इस किले का निर्माण राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में कराया था। यह दुर्ग राजस्थान राज्य के सृजन तक 1949 तक बीकानेर साम्राज्य का मुख्यालय रहा। इसी के समक्ष सूर सागर सरोवर स्थित है। किले के पूर्व की ओर महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा एवं जिला कलेक्टर बीकानेर का कार्यालय आदि स्थित हैं। बीकानेर महानगर में वर्तमान में लगभग 8 लाख की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य में जयपुर, कोटा एवं जोधपुर के पश्चात 4th सबसे बड़ा शहर है। किले के दक्षिण की ओर सादुल सिंह चौक स्थित है। इस चौराहे से दक्षिण पश्चिम की ओर शहर का महात्मा गांधी मार्ग प्रारंभ होता है। यह मार्ग किले को कोर्ट गेट एवं रेलवे स्टेशन आदि से जोड़ता है। महात्मा गांधी मार्ग शहर के आधुनिक बाजारों में एक है। दोनों ओर सुंदर भवन, कतारबद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान इस मार्ग पर दिखाई पड़ते हैं। बीकानेर शहर की स्थापना जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के पुत्र राव बीका जी ने 1488 में नेरा जाट के सहयोग से की थी। बीका एवं नेरा को जोड़कर ही शहर का नामांकन बीकानेर किया गया। महात्मा गांधी मार्ग दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर के फड़ बाजार चौराहा पर पहुंचती है। यहां से उत्तर में फड़ बाजार एवं दक्षिण में रेलवे स्टेशन मार्ग प्रारंभ होता है। पश्चिम की ओर सड़क कोट गेट बाजार में प्रवेश कर जाती है। यह मार्ग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर स्थित शहर के ऐतिहासिक कोट गेट पर पहुंचता है। कोट गेट बीकानेर शहर का बेहद व्यस्त क्षेत्र एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से केंद्र बिंदु है। यहां सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। कोट गेट से पश्चिम में सड़क दाऊजी मार्ग एवं दक्षिण की ओर का मार्ग पुरानी जेल मार्ग स्थित है। पश्चिम में दाऊजी मार्ग सड़क शहर के पुराने क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है। यह मार्ग पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। बीकानेर साम्राज्य के सृजन के पश्चात यह राज्य भारतवर्ष के समृद्ध एवं विकसित भागों में गिना जाता रहा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात यह साम्राज्य वर्तमान राजस्थान राज्य के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जनपदों में फैला हुआ था। 30 मार्च 1949 में महाराजा शार्दुल सिंह द्वारा बीकानेर साम्राज्य का राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। दाऊजी मार्ग शहर के तेलीवाड़ा चौक आदि तक फैला हुआ है। इसी क्षेत्र से सटी शहर की ऐतिहासिक रामपुरिया हवेली स्थित है। इस हवेली का निर्माण स्थानीय उद्योगपति रामपुरिया परिवार द्वारा लगभग 1925 में कराया गया था। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं।
कोटगेट से दक्षिण की ओर पुरानी जेल मार्ग स्थित है। यह मार्ग भी पुराने शहर के बड़े भूभाग को जोड़ता है। बीकानेर साम्राज्य का राजस्थान में विलय होने पर संपूर्ण साम्राज्य को 3 जनपदों बीकानेर, चूरू एवं श्रीगंगानगर में विभाजित कर दिया गया। उस समय बीकानेर जनपद कुल 5 तहसीलों बीकानेर, नोखा, श्री डूंगरगढ़, कोलायत एवं लूणकरणसर में विभाजित था। वर्तमान बीकानेर जनपद कुल 10 तहसीलों बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर, कोलायत, पूगल, छतरगढ़, खाजूवाला, बज्जू खालसा एवं महाजन में विभाजित किया गया है। पुरानी जेल मार्ग दक्षिण में गोगा गेट पर पहुंचती है। गोगा गेट शहर के पुराने प्रवेश द्वारों में एक है। गोगा गेट के पूर्व में कुछ ही दूरी पर गोगा गेट चौराहा स्थित है। गोगा गेट चौराहा पर सदैव व्यस्तता बनी रहती है। इस मुख्य चौराहे से दक्षिण का मार्ग नागौर की ओर प्रस्थान कर जाता है। पूर्व की ओर रानी बाजार क्षेत्र की ओर एवं उत्तर की ओर का मार्ग रेलवे स्टेशन की ओर प्रवेश करता है। यह सड़क शहर में GS रोड अथवा नागौर रोड के रूप में जानी जाती है। दोनों ओर घनी आबादी क्षेत्र से जुड़ा यह मार्ग शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। बीकानेर जनपद को वर्तमान में कुल 22 थाना कोतवाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बीकानेर शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र को कुल 6 थाना कोतवाली क्षेत्रों कोतवाली शहर, थाना कोटगेट, थाना नया शहर, थाना सदर, थाना गंगा शहर एवं थाना JNV कॉलोनी में बांटा गया है। GS मार्ग उत्तर में बढ़ते हुए शहर के रेलवे स्टेशन पर आकर जुड़ता है। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में एक है। बीकानेर से कुल 4 रेल मार्ग बठिंडा, रेवाड़ी, जोधपुर एवं जैसलमेर की ओर प्रस्थान करते हैं। बीकानेर से उत्तर भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर का मार्ग रेलवे स्टेशन मार्ग के रूप में शहर के कोट गेट, महात्मा गांधी मार्ग स्थित फड़ बाजार चौक की ओर जोड़ता है। रेलवे स्टेशन मार्ग पर बेहद व्यस्तता बनी रहती है। बीकानेर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों एवं नमकीन के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में बेहद मशहूर है। रेलवे स्टेशन मार्ग अपने उत्तरी छोर पर फड़ बाजार चौक पर जुड़ जाता है। किले के निकट स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय से दक्षिण की ओर शहर का तुलसी चौक स्थित है। तुलसी चौक चौराहे से पश्चिम की ओर शहर का मॉडर्न बाजार स्थापित है। मॉडर्न बाजार भी शहर के विकसित बाजारों में सम्मिलित होता है। तुलसी चौक से दक्षिण में शहर का बेहद व्यस्त चौराहा अंबेडकर चौराहा स्थित है। अंबेडकर चौक पर भी सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। अंबेडकर चौक से पश्चिम में रानी बाजार क्षेत्र एवं पूर्व की ओर का मार्ग शहर में मेडिकल कॉलेज मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में शहर का मेडिकल कॉलेज का परिसर एवं PBM अस्पताल का परिसर आदि स्थित हैं। यह क्षेत्र शहर में नए बसे क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में ही शहर का आधुनिक बाजार पंचसती चौक भी स्थित है। पंचसती चौक बाजार क्षेत्र में अनेकों ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम स्थापित हैं। विकसित बीकानेर की छवि यहां स्पष्ट दिखाई पड़ती है। शहर के गंगानगर चौराहे से उत्तर की सड़क बीकानेर को लूणकरणसर, सूरतगढ़ होकर श्री गंगानगर से जोड़ती है। इस मार्ग को श्री गंगानगर मार्ग के रूप में ही जाना जाता है। इस मार्ग पर रोडवेज बस अड्डा, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का परिसर आदि स्थित हैं। गंगानगर मार्ग उत्तर की ओर श्री गंगानगर की ओर प्रस्थान कर जाता है। पश्चिम में जैसलमेर की ओर से आने वाली सड़क शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से शहर में प्रवेश करती है। शहर का अंत्योदय नगर, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, नाथूसर बास, पूगल फाटा, अमर सिंहपुरा, कुचिलपुरा आदि क्षेत्र जैसलमेर मार्ग से ही जुड़े हुए हैं। बीकानेर जनपद कुल 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, कोलायत, श्री डूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाला एवं लूणकरणसर में विभाजित है। जैसलमेर मार्ग शहर के गंगानगर चौराहा पर जुड़ जाता है।
गंगानगर चौराहे से पूर्व की ओर का मार्ग शहर में जयपुर मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। जयपुर मार्ग बीकानेर को सीकर, जयपुर एवं रेवाड़ी, दिल्ली आदि मुख्य शहरों से जोड़ता है। जयपुर मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, सिविल लाइन्स एवं बापू कॉलोनी से होते हुए शहर के डूंगर कॉलेज के परिसर से होकर गुजरता है। जयपुर मार्ग पूर्व की ओर सेक्टर 4, 5, 6, 7, तिलकनगर, राजनगर आदि क्षेत्रों से होकर श्री डूंगरगढ़, जयपुर आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। किले के ठीक पीछे पश्चिम की ओर शहर का एक मुख्य क्षेत्र पुराना गजनेर मार्ग प्रारंभ होता है। पुराना गजनेर मार्ग कुशीरपुरा, फड़ बाजार, बिस्सों का चौक, चौखुंटी मोहल्ला, रेलवे ऊपरगामी सेतु आदि से होकर पश्चिम में नया शहर क्षेत्र से जोड़ता है। इसी मार्ग से सटा हुआ शहर का जसूर गेट का क्षेत्र स्थित है। जसूर गेट में ही श्री नेहरू शारदा पीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परिसर भी स्थित है। बीकानेर जैसे ऐतिहासिक शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीकानेर महानगर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बीकानेर शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।